तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनली यूज होने वाली सिरप्स के बारे में, यानी ऐसी कौन सी सिरप हैं जो किस काम में आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड ये जो सिरप हैं वो OTC सिरप हैं, यानी ओवर द काउंटर सिरप्स हैं, जो कि बिना डॉक्टर के पास जाए ही आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहली सिरप है वो है डाइजीन, यानी डाइजीन जो सिरप है एक ऐसी सिरप है जिसका कि हम यूज गैस एंड एसिडिटी एंड इंजेक्शन के केस में यूज करते हैं, यानी जब आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है एंड इंजेक्शन यानी पाचन नहीं होता है, तो इसका यूज हम करते हैं। इसमें कुछ साल्ट पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समेथिकॉन, मैग्नीशियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, यानी इस प्रकार के इसमें साल्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो ये सिरप होगी डाइजीन OTC सिरप होगी जिसका कि यूज हम बिना डॉक्टर के पास जाए ही कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सिरप जो हमारी है वो है साफ़ी सिरप, यानी साफ़ी जो है एक बहुत ही पुरानी प्रचलित सिरप है जिसका कि यूज हम करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए एंड पिंपल एंड एक्ने को रिमूव करने के लिए, यानी ब्लड प्योरीफायर में सबसे अच्छी सिरप हमारी जो है वो साफ़ी सिरप आती है। एंड इसका हम यूज पिंपल एंड एक्ने को भी रिमूव करने के लिए करते हैं। इसमें हमारे कुछ यूनानी मेडिसिन पाए जाते हैं जैसे कि सन्ना हो गया, शीशम हो गया, सैंडल हो गया, गिलो हो गया, हरार, इस प्रकार के कुछ इसमें यूनानी मेडिसिन पाए जाते हैं। एंड जो ये साफ़ी सिरप है वो हमदर्द कंपनी की आती है जो बहुत अच्छी ही होती है। एंड नेक्स्ट सिरप जो हमारी है वो है शंख पुष्पी, यानी शंख पुष्पी जो सिरप है वो एक बहुत ही अच्छी सिरप है। जब हमारी मेमोरी वीक होती है एंड कंसंट्रेशन जब हम कर नहीं पाते तो हम इसका यूज करते हैं, एंड मेंटल फटीग के केसेस में भी इसका यूज किया जाता है। तो शंख पुष्पी जो है वो डाबर कंपनी के द्वारा उत्पादित की गई है, एंड इसमें जो हमारी शंख पुष्पी, ब्राह्मी एंड नींबू एंड शर्करा, इस प्रकार के कुछ इन्ग्रीडियंट पाए जाते हैं जो कि कंसंट्रेशन एंड मेमोरी जो वीक होती है उसको स्ट्रांग करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी सिरप जो है वो की है नीरी सिरप, यानी नीरी सिरप जो है एक ऐसा UTI इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारी जो किडनी होती है उसमें जब स्टोन वगैरह हो जाते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। एंड जो ये हमारी सिरप है वो यूरिनरी के pH को नॉर्मलाइज करती है। एंड ये जो सिरप है इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स पाए जाते हैं जैसे कि धरोहिद्रा हो गया, मोलिस्कार हो गया, इसुमोल हो गया, शीतल चीनी हो गया, इस प्रकार के कुछ इसमें इन्ग्रीडियंट पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी सिरप जो है वो है जिंकोबिट, यानी जिंकोबिट सिरप जो है वो एजा इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए इसको किया जाता है। एंड जो सेलुलर फंक्शन होते हैं बॉडी के उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड जो घाव वाव हो जाते हैं उसमें जो घाव जो होते हैं हमारे वुंड्स यानी उसको हील करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांगर जो हमारे सिरप है वो जिंकोबिट है। एंड इसमें विटामिन पाए जाते हैं कुछ जैसे कि विटामिन ए हो गया, B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया। एंड इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया। तो जो हमारी जिंकोबिट सिरप होती है बहुत ही अच्छी होती है जिसे आप बिना डॉक्टर के पास जाए ही यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी सिरप है जो है वो है LEO-52, यानी LEO-52 जो सिरप है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी सिरप मानी जाती है, यानी प्राचीन काल से इसका यूज किया जाता था। जैसे कि जो हमारी एपेटाइटिस हो जाती थी उसमें भी इसका यूज किया जाता था उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड डाइजेशन को भी अच्छी बनाते थे ये सिरप जो हमारी LEO-52 थी। एंड जॉन्डिस में भी इसका यूज किया जाता है। एंड इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स पाए जाते हैं जैसे कि केपर बस हो गया, हिमसरा हो गया, चिकोरी हो गया एंड कैसनी हो गया, तो इस प्रकार से इसमें इन्ग्रीडियंट्स पाए जाते हैं। एंड जो LEO-52 होती है वो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी सिरप होती है जिससे कि आपको भूख वूख नहीं लगती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सिरप मानी गई है। एंड नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो है होनिटस सिरप, यानी होनिटस सिरप जो है वो इसका हम यूज करते हैं ड्राई कफ में इसका यूज किया जाता है। जो होनिटस सिरप है जब हमारे कफ यानी ड्राई सूखी खांसी जब आने लगती है तो हम इसका यूज करते हैं। एंड इसमें जो हमारे कुछ इन्ग्रीडियंट्स पाए जाते हैं जैसे कि तुलसी मुलेठी हो गया, बनप्सा कांतकारी हो गया, तलसपत्रा सुनाथी, पिपाली वास्का साथी, यानी इस प्रकार के कुछ इन्ग्रीडियंट्स इसमें पाए जाते हैं एंड इसका यूज हम ड्राई कफ में कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो से मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।